What is that date today? It is Wednesday, the 9th of August, 2023. तो गाइस आज है 9 अगस्त 2023 और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू चैलेंज, वेकिंग अप एट 6 AM फॉर 30 डेज। तो वैसे तो मैं उठता था 9 या 10 बजे, बट अगले 30 दिनों तक मैं डेली उठूंगा सुबह 6 बजे। लेकिन क्यों? आखिर मैं ये चैलेंज कर ही क्यों रहा हूँ? तो वो सब तो हो गई हमारी इंटरनेट की बातें, बट द रियलिटी इज स्लीप शेड्यूल। मेरे स्लीप शेड्यूल का काम डल चुका था। मैं रात को 12-12, 1-1 बजे तक टीवी देखता रहता था, मोबाइल चला रहता था, एनिमी देखता था ज़्यादातर, और फिर उठता था दोपहर में वही 10-11-12 बजे तक। तो बस इसी चीज़ को ठीक करने के लिए मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इस चैलेंज के बाद मेरा स्लीप शेड्यूल काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो इस चैलेंज में हम यूज़ करेंगे ये कैलेंडर पिछले साल का। तो जैसे जैसे मेरे डेज कंप्लीट होते जाएंगे, मैं कुछ इस तरह हर तारीख पर क्रॉक्स लगाता जाऊंगा। तो गाइस ये हमारा day 1 और अभी बज रहे हैं 6:00 PM। मैं एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ सुबह सुबह का। देख सकते हैं सब सूर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा डॉग भी सो रहा है अभी। और अभी बज रहे हैं सुबह 6:00 और आज है हमारा फर्स्ट डे। तो हम कैलेंडर में क्रॉक्स लगा देते हैं कि हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया है। अब हमने फ्रेश भी हो लिया, मुँह हाथ भी धो लिया और ब्रश भी कर लिया है, तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे छत पे वर्कआउट करने। तो बस अब वर्कआउट करेंगे, फिर अपना नॉर्मल काम करेंगे। आज एडिट करना है और घर का थोड़ा बहुत काम करेंगे, झाड़ू पोछा वगैरह। तो बस यही रूटीन है जो मैं डेली फॉलो करूँगा आने वाले 30 दिन तक। सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा और अपने काम में लग जाऊंगा। तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा रहेगा कि मैं डेली सुबह 6 बजे उठूंगा, फ्रेश वगैरह होऊंगा, पानी वगैरह पीऊंगा और छत पे जाके थोड़ा बहुत योगा वगैरह करूंगा, और ठीक 7 बजे मैं निकल जाऊंगा अपने कॉलेज के लिए। तो गाइस ये है day 2 और अभी बज रहा है सुबह 6:00। तो सुबह सबसे पहले उठ के मैं पीता हूँ 1 गिलास पानी। तो चलिए पहले पानी पी लेते हैं। गाइस ये है day 3 और अभी बज रहे हैं ऑब्वियसली सुबह के 6:00। तो शुरू के 4 दिन तो जैसे तैसे निकल गए, बट 5वें दिन मेरे साथ कुछ ही। रात में लेट सोया था तो लेट उठा और day 5 खराब हो गया, बट स्टिल चैलेंज चालू रहेगा। एक दिन सही, एक दिन और बढ़ाएंगे, बट चैलेंज चालू रहेगा। कल से डेली सुबह 6 बजे उठेंगे। और फिर क्या, day 6 से हमने अपना चैलेंज फिर स्टार्ट कर दिया। तो पिछले 7 दिनों में मैंने बस 1 दिन का गैप किया था जिसमें मैं नहीं उठ पाया था क्योंकि अलार्म नहीं बजा था, बट डेली मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ। और तुम नज़ारा देखो भाई, कितना सही लग रहा है। अभी बस सनराइज़ होने वाला है जो कि अपन देख नहीं सकते इस बिल्डिंग की वजह से, बट फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम थी, मैं सुबह तो जल्दी उठ रहा था बट मैं रात को डेली देर से सो रहा था, जिस कारण ना ही मेरी नींद पूरी हो पा रही थी और दोपहर होते होते मुझे फिर से नींद आने लगती। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30 और भयंकर नींद आना चालू हो गया है। बस एक ही दिक्कत हो रही है सुबह जल्दी उठने की, कि दोपहर तक मेरे को नींद आना चालू हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो अब धीरे धीरे हम इसे भी कंट्रोल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम दोपहर में ना सोएं। और फिर मैं सो गया।
तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि हम रात को जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी नींद भी पूरी हो जाए और हमें दोपहर को नींद भी ना आए। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम आज जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि जल्दी सोएंगे तो नींद भी पूरी हो जाएगी और जल्दी उठ जाएंगे। तो यही मैंने सोचा है कि दोपहर में नींद ना आए हमें, इसलिए हम रात में भी जल्दी सोने की कोशिश करेंगे और देखेंगे फिर क्या होता है। और फिर क्या था, रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, यही करते करते हम पहुंच गए अपने डे 15 पर। सो गाइस दिस इज़ द डे 15 ऑफ माय 30 डेज चैलेंज, और आज अपन अपने चैलेंज की हाफ वे डन है। अपन ने 15 दिन पूरे कर लिए हैं सुबह 6 बजे उठ के। बस एक ही दिन मिस हो गया था, जिस दिन मिला अलार्म नहीं बजा था, तीसरे या चौथे दिन मुझे याद नहीं, बट स्टिल वी हैव कम्प्लीटेड 14 डेज वेकिंग अप एट 6 AM, और जल्द ही हम इस चैलेंज को भी कम्प्लीट करेंगे। सो गाइस दिस इज़ द डे 21 और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं हूँ ग्राउंड पे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो धीरे धीरे इस चैलेंज में हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी मेरा रूटीन काफ़ी अच्छा हो गया है। 6 बजे उठ जाता हूँ, वर्कआउट करके डायरेक्ट कॉलेज की ओर निकल जाता हूँ, और अभी 10 दिन और बचे हैं इस चैलेंज पर, तो अपना बेस्ट देंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस दिस इज़ द डे 22 और आज है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। तो आज हम जाएंगे नानी के यहाँ, तो आपको नानी के यहाँ का मिनी ब्लॉग मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो एंजॉय करो अपना रक्षाबंधन और मैं भी चलता हूँ नानी के यहाँ। सो गाइस दिस इज़ द डे 24 और अभी मैं हूँ अपनी नानी के यहाँ, देख सकते हो। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे। तो बस नहाए धोंगे, तैयार होंगे, खाना खाएंगे और घर की ओर निकल जाएंगे और अपने चैलेंज को कंटिन्यू करेंगे। तो चैलेंज के बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं अपन, अभी डे 24 हो गया है, अब बस 6-7 दिन बचे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस आज है डे 25 और काफ़ी अच्छा चैलेंज चल रहा है, काफ़ी दिक्कतें हुई लेकिन आखिरकार सिर्फ 5 दिन बचे हैं ये चैलेंज कंप्लीट करने में। और आज संडे तो मैं आया था थोड़ा बाहर घूमने और आप देख ही सकते हो क्या मस्त नज़ारा है। और हाँ, संडे को रहता है मेरा रेस्ट डे, तो मैं कोई भी वर्कआउट वगैरह नहीं करता, या कहीं बाहर घूमने चले जाता हूँ या घर पे रहता हूँ, और अभी भी मैं बाहर घूमने आया हूँ। सो गाइस दिस इज़ द डे 27 और अभी मैं बस अपना वही 30 डेज चैलेंज का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो भाई अभी तो बहुत कम वीडियो एडिट हो पाया है, सिर्फ 4-5 दिन ही एडिट हो पाए हैं, तो लगता है कि मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, बट फिर भी वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, यानी 1-2 दिन बाद, क्योंकि एडिट करने में टाइम लगेगा। तो बस यही मैंने सोचा एक वो दे दूं अपडेट कि आज डे 27 और वी आर हेयर। सो दिस इज़ द डे 28 और फाइनली हम पहुंच गए अपने आखिरी दिन पर। इज द डेट टुडे, इट इज फ्राइडे द 8th ऑफ सितंबर 2023। सो गाइस फाइनली दिस इज द डेट 30 और ये चैलेंज आखिरकार हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसा मेरे डेज रहे इस चैलेंज में, और क्या ये चैलेंज आपको भी करना चाहिए या नहीं।
और ये चैलेंज करने से हमारी स्लीप शेड्यूल अच्छी होती है या खराब होती है सारा कुछ आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि शुरू के 10 दिनों में तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि भाई वही कि मैं 11-12 बजे सोता था और सुबह जल्दी भी उठ जाता था, तो नींद की तो माँ बहन हो गई थी, सो ही नहीं पाता था। 6 घंटे में भाई क्या ही रिकवरी होगी, डेली वर्कआउट भी कर रहा था। लेकिन 15 दिन के बाद मेरी जो नींद थी वो धीरे धीरे ठीक होती गई, क्योंकि मैं 9-10 बजे सो जाता था और 6-6 बजे उठ रहा था। तो शुरू का तो एक्सपीरियंस बेकार था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे दिन आगे बीतते गए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होने लगा। हाँ कि हाँ ये चैलेंज काम कर भी रहा है। तो एक्सपीरियंस मेरा दोनों था, नेगेटिव भी हुआ पॉजिटिव भी हुआ। तो अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स कि ये 30 दिन का चैलेंज करने से आखिर मेरी लाइफ में क्या बेनिफिट हुआ, ये चैलेंज मैंने किया ही क्यों। तो भाई ऐसी बात है, जो लड़का डेली 11-12 बजे सोता था और सुबह 10-9 बजे उठता था, वही लड़का जो आपके सामने बैठा है आज डेली सुबह 6 बजे उठता है और रात में 9-9:30 बजे तक सो जाता है। तो इससे बड़ा बेनिफिट क्या ही होगा आपकी लाइफस्टाइल में। तो क्या ये चैलेंज आपको करना चाहिए या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर आपका भी स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है और आप उसे ठीक करना चाहते हो तो देन ये चैलेंज आपके लिए बना है, क्योंकि इस चैलेंज को करने के बाद आपका जो स्लीप शेड्यूल है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम अगर आप 28 दिनों तक करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और अगर आप 28 दिनों तक डेली सुबह 6 बजे उठोगे तो 31वें दिन यानी 29वें दिन आप खुद अपने आप सुबह 6 बजे उठ पाओगे। तो जो जो मेरे भाई और बहनों हैं जिनको रात में जल्दी नींद नहीं आती और वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो मैं ये चैलेंज उनको जरूर सजेस्ट करूँगा कि आप भी ये 30 दिन का चैलेंज लें और अपना स्लीप शेड्यूल सुधार पाएं। तो गाइज़ यही था वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, कुछ नहीं जाता। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग 30 डेज चैलेंज मेरे इस चैनल पर आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट में जो भी लिखना चाहो लिख दो, पूरा खुला रहता है आपके लिए। तो बस जल्दी ही मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।